हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद नितारा। आज मैं आप लोगों को बेसिकली एक ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। जनरली ये एक गिफ्ट है जो कि हम लोगों को अक्सर एमआरएस वगैरह से मिलता है या कोई क्लोज है जो कि मेडिसिन इंडस्ट्री में है, तो वो हमें ऐसी चीज़ें अक्सर दे देते हैं। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं, ये कि एक स्टैंड है जिसके अंदर कुछ लूज शीट्स हैं और एक क्लॉक भी है, बट इसके ऊपर एबट कंपनी का मार्क है। ऑल्दो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बट मैं अभी इसको ऐसे अपने घर में कहीं पर भी प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। तो मैं आज आपको ये एक सुंदर से गिफ्ट पीस का, जिसके ऊपर एक कंपनी की मार्किंग है, उसको अवॉइड करके, इसको डेकोर करके, बेसिकली हम इसका पूरा कायाकल्प करने वाले हैं, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर से, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है कि किसी भी चीज़ को अगर कलर करना है तो उसके ऊपर पहले हमें टिश्यू पेपर और फेविकोल के मिश्रण को लगाकर उसको पेस्ट करना है, उसके बाद उस पर कलर करना है। तो मैं आज आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। मेरा कुर्ता नहीं दिखना चाहिए। ये मैं इसके ऊपर फेविकॉल अप्लाई कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाऊंगी। टिश्यू पेपर को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जो कि अगेन इसको एक सुंदर टेक्सचर देगा। हमें इसको लगा के अच्छे से सूखने के लिए छोड़ना रहेगा। टिश्यू पेपर से मेन हमारा ये रहेगा कि टेक्सचर तो आएगा ही आएगा और जो कलर है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी इस पर ऑलमोस्ट पूरा टिश्यू लग चुका है। मैं बस इसके ऊपर फेविकोल एंड वाटर का मिक्सचर लगा रही हूँ ताकि ये और भी अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसके बाद हम इसे अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे एंड फिर उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने से पहले हम इसको बेसिकली कलर करेंगे। आप देख सकते हैं आगे एंड पीछे मैंने अच्छे से इस पर टिश्यू पेपर लगा लिया है। अंदर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी इसका प्लेन टेक्सचर है बिना किसी प्रिंटिंग के। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला टिश्यू अच्छे से इस पर ड्राई हो चुका है, तो मैं अभी इस पर रेड कलर करूँगी। रेड का हम बेसिकली एक फेविकल का हम रेड एक्रिलिक कलर करने वाले हैं, तो मैं अभी आपको कलर करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर रेड कलर किया है। वीडियो में ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंज दिख रहा है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर होके आया है। मैंने इसको दोनों तरफ कर दिया है। आप जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हम टिश्यू लगाएंगे और टिश्यू को अनिवली चिपकाएंगे, आप देख सकते हो कि इसका टेक्स्चर किस तरह से आया है। और अब मैं इस पर रेड कलर कर चुकी हूँ, तो मैं इसको ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए रख रही हूँ। उसके बाद हम इसको आगे डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अभी एकदम अच्छे से सूख चुका है, तो अभी हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इसको एक्चुअली डेकोरेशन करने के लिए मैं ये गोल्डन कलर की, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ये वायर मिलती है, इसका इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी, और ये कुछ पर्ल्स हैं मेरे पास जो कि कटे हुए हैं, इनका इस्तेमाल करूँगी, और कुछ डेकोरेशन करने के लिए ये मिरर्स एंड फेविकॉल। और अभी मैं सबसे पहले ये सोच रही हूँ कि मैं इस क्लॉक को डेकोरेट करूंगी, जिसके आसपास मैं ये पर्ल और ये वाले आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप के स्टोन्स हैं, इनका इस्तेमाल करूंगी।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारे स्टोन्स के साथ जो इसके बेसिक डेकोरेशन है वो सारी कंप्लीट कर दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए कि पहले ये बिल्कुल भी घर में डिस्प्ले करने के लायक नहीं था, मतलब हम उसको वैसे भी लगा सकते थे बट वैसे लगता है कि हम किसी एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बट हाँ, अब आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा और आर्ट एंड क्राफ्ट इसमें आपका अच्छे से विजिबल रहेगा। इसमें आप अपने बच्चों को भी एंगेज करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा एंड प्रोडक्ट रेडी है। एंड अगर तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।